पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के उद्धार हेतु नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से 16 से 22 तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत विधिवत पूजन के साथ हुई, तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित संगत को सामाजिक बुराइयां त्याग कर नेक कार्य करने तथा गो सेवा के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी को भक्ति करने का अधिकार है। वहीं शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने कहा कि पितृपक्ष में श्री मद्भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष में जहां इस कथा का श्रवण करने से पितरों को शांति मिलती है, तो वहीं यह उनके परिवार के लिए भी पुण्यदायी रहती है और पितरों के पूजन तर्पण से मानव को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया और इस धर्म के कार्यों के प्रति आयोजककर्ता कमेटी को बधाई भी दी। वहीं इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अजय मल्होत्रा, हरेकांत झा, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र, संजय चड्डा, पंडित मायाराम, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, जीवन शर्मा, रोशन लाल, बीपी सिंह, राहुल शर्मा, हरनूर सिंह भाटिया, गुरप्रीत सिंह भाटिया, रितु शर्मा, मीनू मल्होत्रा, सावित्री देवी, वीना देवी, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान चमनलाल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, कैशियर नरेश राजन, अश्विनी भारद्वाज, सुभाष वर्मा और स्त्री सत्संग संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा सहित असंख्य गुरु भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री कृष्ण मुरारी मंदिर जालंधर शहर और मंदिर कमेटी के सभी प्रधान, सभी ट्रस्टी मेंबर, सदस्यगण, सेवकगण, जिन्होंने एक परंपरा से परंपरा होती है, जिसे पिता और पुत्र की परंपरा होती है, जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, ऐसे मंदिरों की भी परंपरा होती है। अनेक दृष्टि हो गए, अनेक अध्यक्ष हो गए, अनेक फिर आगे बढ़ेगी परंपरा है, उसकी उन्नत करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसकी प्रगत करने के लिए परंपरा जरूरी होती है। परंपरा को छोड़ करके कोई उन्नति और विकास कैसे हो सकता, जो अपनी परंपरा का दर्द करेगा, परंपरा से बड़ा अपना अपमान दिया जाएगा, क्या है बीच की परंपरा खंडित हो जाएगा।